भूतिया चुड़ैल जोमेटो वाली। रात का समय था, चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था, बिजली भी बहुत जोर से कड़क रही थी। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश पहले हल्की धीमी पड़ती है, जिसके बाद वो एकदम से तेज हो जाती है। तभी सुनसान सड़क पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जोमेटो की स्कूटी पर बैठकर किसी का ऑर्डर लेकर जा रही थी। तभी अचानक से उसकी स्कूटी का टायर पंक्चर हो जाता है और वो अचानक से वहीं खड़ी होकर स्कूटी देखने लगती है। हे भगवान, आज ही इस स्कूटी को खराब होना था। अब मैं क्या करूं? इतनी बारिश में कहां जाऊं? ऊपर से ऑर्डर भी देकर आना है। तभी वहां कुछ अमीर ज़ादे अपनी कार में बैठकर जा रहे थे। जैसे ही वो अवंतिका को देखते हैं, वो अपनी कार रोक लेते हैं और उनमें से एक लड़का अवंतिका से कहता है, अरे लगता है तुम्हारी जोमेटो की स्कूटी खराब हो गई है, जाओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ वरना बारिश में भीग कर बीमार हो जाओगी। हाँ हाँ आ जाओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तभी राघव कुछ देर तक अपनी गाड़ी वहीं रोक के रखता है और अवंतिका को बुलाता रहता है, लेकिन अवंतिका उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद अवंतिका को गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है, अगर अभी के अभी तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी, जिसके बाद तुम दोनों को जेल हो जाएगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें जेल की धमकी देगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर कैलाश अवंतिका के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक से अवंतिका की आंखें लाल होने लगती हैं और वो धीरे धीरे अपना रुख बदल लेती है, जिसके बाद वो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम जैसे लोगों ने हम जैसी लड़कियों का जीना हराम कर रखा है। तुम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल राघव और कैलाश को मारने लगती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह मारने के बाद उन्हीं की कार में उन्हें डाल देती है। मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, जो भी लड़कियों के साथ बुरा करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस गांव में पाप करने वाले हर एक आदमी को मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह जैसे ही गाँव के लोग सड़क से गुजर रहे होते हैं, उनकी नजर उस कार के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर उन दोनों लड़कों की लाश पड़ी होती है। ये सब देखकर गांव के लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे बाप, देखो तो सही कितनी बेरहमी से मारा हुआ है इन्हें। अरे मुझे तो लगता है किसी ने इन दोनों को मारकर अपनी दुश्मनी निकाली है, क्योंकि जिस तरह इन्हें मारा गया है इस तरह तो कोई दुश्मन ही इन्हें मार सकता है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और उन गांव वालों से कहता है, तुम लोग नादान हो, तुम लोगों को सच्चाई नहीं पता। इस रास्ते एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रात के समय घूमती है, जो लोगों को मार देती है, और वो कब से कई लोगों को मार चुकी है। इसलिए कहता हूँ, रात के समय इस रास्ते से मत गुजरा करो। अरे दादाजी, आप हमेशा एक ही बात रिपीट करते रहते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता आपके दिमाग में ये चुड़ैल का भूत किसने डाल दिया है। आप तो इतने पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद भी चुड़ैल जैसी अंधविश्वास वाली चीजों में विश्वास रखते हो। अरे ये अंधविश्वास नहीं, ये सच्चाई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस रास्ते एक चुड़ैल आती है रात के समय। जब वो चुड़ैल इन आदमियों को मार रही थी, मैं इधर ही छुपकर उस चुड़ैल को देख रहा था। वो हर रोज रात के समय इस रास्ते पर से गुजरने वाले हर एक आदमी को मार देती है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो लड़की जोमेटो की स्कूटी पर आती है। उसकी स्कूटी पर जोमेटो का डिब्बा रखा होता है, जिसके अंदर लोगों के ऑर्डर भी होते हैं। जोमेटो का नाम सुनने के बाद गांव के सभी लोग उस बूढ़े आदमी के ऊपर हंसने लगते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं, अच्छा तो समझ आया दादाजी हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जोमेटो से खाना छोड़ दें, लेकिन दादाजी ऐसा तो नहीं हो सकता। गांव में हर एक बच्चा जोमेटो से ऑर्डर की हुई टेस्टी टेस्टी चीजें खाना चाहता है। तुम लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, वो बहुत ही भयानक है। वो एक एक करके गांव के हर एक आदमी को मार देगी, और अगर अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा।
गांव का कोई भी आदमी उस बूढ़े आदमी की बात का विश्वास नहीं करता और सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनमें से एक दृष्टि नाम की लड़की उस बूढ़े आदमी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती है, लेकिन वो भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और जैसे ही रात होती है, रात के समय फिर से एक सुंदर सी लड़की जोमैटो की स्कूटी पर बैठकर उस रास्ते से गुजर रही थी। लेकिन उस रास्ते पर वही दृष्टि नाम की लड़की चुड़ैल का इंतजार कर रही होती है। जैसे वो जोमैटो की स्कूटी पर आने वाली लड़की को देखती है, वो उसे रोक लेती है और उससे कहती है, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके ये कहते ही दृष्टि के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो अचानक से घबराने लगती है, क्योंकि दृष्टि उस सुंदर सी लड़की की आंखों को देख लेती है, क्योंकि उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रखी थी। लेकिन दृष्टि हिम्मत करती है और अवंतिका से कहती है, देखो, मुझे गलत मत समझना, बस मैं सच जानना चाहती हूँ। तुम रोज इस रास्ते से गुजरती हो और तुम्हारे इस रास्ते से गुजरने के बाद इस जगह रोज किसी न किसी की लाश मिलती है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इंसान हो या फिर चुड़ैल? दृष्टि की बात सुनने के बाद अवंतिका अपना चुड़ैल वाला रूप बदल लेती है और वो दृष्टि से कहती है, मैं एक चुड़ैल हूँ और यहाँ से गुजरने वाले हर एक आदमी को मार देती हूँ। लेकिन पहली बार किसी ने मुझसे ये सवाल किया है और तुम सब कुछ जानती हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और क्यों गांव के लोगों को मारती जा रही हो। तभी चुड़ैल अचानक से रोने लगती है और रोते हुए दृष्टि से कहती है, कुछ समय पहले की बात है, मैं एक सोमैटो में काम किया करती थी और एक दिन देर होने की वजह से मैं रात के 12 बजे इसी रास्ते से गुजर रही थी। उस दिन बहुत जोरों से आंधी और तूफान चल रहे थे, तभी अचानक से उस दिन मेरी स्कूटी इसी रास्ते पर खराब हो गई। मैं यहाँ से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। धीरे धीरे बहुत रात हो गई, तभी रात के समय 3-4 लोग शराब के नशे में इस जगह से गुजर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके अंदर का हैवान जाग उठा और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मरने के लिए मुझे यहीं छोड़ दिया। मैं बहुत ही तड़प तड़प कर मरी थी, जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से मैं इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक बुरे आदमी को मार देती हूँ। तुम्हारी कहानी तो मेरी कहानी की तरह ही है। कुछ समय पहले मैं भी इसी रास्ते से गुजर रही थी रात के समय, जिसके बाद कुछ लोगों ने मुझे धोखे से पकड़ लिया और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भागी और यहाँ से भागने के बाद मैंने पुलिस से जाकर कंप्लेंट की। वो लड़के वही लड़के थे जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम्हारी जान ली। मेरी कंप्लेंट करवाने के बाद वो चारों पकड़े गए और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी। अब बस करो और लोगों को मत मारो। ये काम भगवान का है, उनके ऊपर छोड़ दो और यहाँ से मुक्त हो जाओ। दृष्टि की ये बात सुनकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद चुड़ैल दृष्टि का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल और भूतिया कुत्ते की शादी। रात का समय था, चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही थी। उस चांद की रोशनी में भयंकर चुड़ैल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। ओफ़ो, पता नहीं ये नालायक कहाँ रह गया। मैं कितनी देर से इसका इंतजार कर रही हूँ, भगवान जाने कब आएगा। मैंने तो सुना था कि लड़कियाँ लड़कों को वेट करवाती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, ये कुत्ता मुझसे वेट करवाता है। वो चुड़ैल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक भूतिया कुत्ता दौड़ते हुए आता है। अरे मेरी जानू, मुझे माफ कर दो, गलती से आज मैं लेट हो गया। क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़कियां वेट करवाती हैं लड़कों को, लड़के नहीं। अरे मेरी जानू, अब मान भी जाओ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं जल्दी अपने घर से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। काश हम लोगों ने उस दिन उस देवता का मजाक नहीं बनाया होता,
तो शायद आज हम अपने असली रूप में होते। हम दोनों अपना जीवन कितना खुशहाल तरीके से व्यतीत कर रहे थे, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। सीलमपुर गांव में सुनीता और विवेक नाम के एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन दोनों के प्यार के साथ साथ उन दोनों को खुद पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह दोनों उस गांव में काफी सुंदर थे। यदि उन लोगों के पास कोई आता तो वह उसका मजाक बनाकर उन्हें भगा दिया करते। ऐसे ही एक बार की बात है, विवेक और सुनीता एक पार्क में बैठकर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। यार सुनीता, तुम जल्दी से अपने घर वालों को मना लो। उधर तुमने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी किया, इधर मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। हाँ विवेक, मैं अभी घर जाऊंगी और अपने माँ बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरी हर एक डिमांड पूरी करी है, तो शायद वो मेरी इस इच्छा को भी जरूर पूरा कर देंगे। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसका चेहरा काले धब्बों से भरा हुआ था। उसके हाथ पैर में अजीबो गरीब तरह के दाने हो रखे थे। अजीब सा दिखने वाला आदमी उन दोनों के पास आता है और उससे बोलता है, बेटा बेटी, तुम दोनों की जिंदगी सफल रहे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। विवेक, देख रहे हो, ये भद्दा सा दिखने वाला आदमी हम लोगों के पास आता और हमसे उम्मीद करता कि हम इस घिनौने इंसान को पैसे देंगे। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुनीता, ये गंदा सा दिखने वाला आदमी को हम छूना भी पसंद नहीं करेंगे। हो भद्दे से दिखने वाले आदमी, सुन लिया तूने? अब चल निकल यहाँ से, तेरे लिए हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, समझा तू? उसकी ये बात सुनकर वह भद्दे से देखने वाले आदमी के चारों तरफ एक तेज रोशनी चमकती है और वह आदमी एक भद्दे से आदमी से तब्दील होकर एक देवता में बदल जाता है। वो देवता उन दोनों को बोलते हैं, अरे मूर्ख इंसान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने तो ये सोचा कि तुम दोनों देखने में इतने अच्छे हो और तुम दोनों का प्यार काफी सच्चा भी दिख रहा था। ये सोचकर मैं तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने आया। मैं एक भद्दे आदमी का रूप लेकर जानबूझकर तुम्हारे पास आया, ये देखने कि तुम इन गरीबों की कितनी देखभाल करते हो। लेकिन तुम लोगों ने अपने प्यार और अपनी सुंदरता पर घमंड करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम लोग किसी गरीब का पेट नहीं भर सकते, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऐ लड़की, तू बहुत सुंदर है ना, इसलिए आज से बल्कि अभी से तू एक चुड़ैल बन जाएगी। और विवेक, तुम्हारी जबान कैंची के जैसी चलती है, इसलिए तुम एक कुत्ता बन जाओगे। तथास्त। इतना बोलकर वह देवता अपने हाथों से एक जादू करते हैं और उस जादू से सुनीता एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और विवेक एक भूतिया कुत्ते में तब्दील हो जाता है। खुद को इस तरह की हालत में देख चुड़ैल और कुत्ता दोनों ही उस देवता के पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते थे कि आप एक देवता हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे गरीब लोगों को ठेस पहुंचे और नुकसान पहुंचे। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, प्लीज। उन दोनों को रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देख वह सिद्ध देवता उनसे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। परंतु हाँ, यदि तुम अपने परिवार वालों के सामने अपने इस भूतिया वेश में जाओगे तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, जिसके बाद तुम दोनों को अपने परिवार वालों को मनाना है, और जब वो तुम्हारी शादी करवाएंगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर वह देवता वहाँ से गायब हो जाता है। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती। खैर, जो हुआ उसको हम बदल तो नहीं सकते, चलो चलकर अब हम अपने अपने घर में चले जाते हैं। इतना कहकर भूतिया कुत्ता और चुड़ैल दोनों ही अपने अपने घर में जाकर एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। जब यह बात उनके घर वालों को पता चलती है कि एक चुड़ैल और एक भूतिया कुत्ता आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वह उन्हें घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद दोनों ही रोते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं माने, लगता है हम लोगों को अपना पूरा जीवन इसी तरह व्यतीत करना होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुनीता, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। उन दोनों को बात करते हुए उन दोनों के पेरेंट्स देख लेते हैं, जिसमें से भूतिया कुत्ते की माँ उस कुत्ते से बोलती है, बेटा तुम कौन हो और तुम दोनों का क्या कनेक्शन है? मैं मानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक पल को शायद हम तुम्हारी शादी भी करवा दें, लेकिन ये सोचकर हम तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे क्योंकि तुम एक कुत्ते हो और वो एक चुड़ैल है।
एक भूतिया कुत्ते और एक चुड़ैल की शादी कैसे संभव हो सकती है। उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल और भूतिया कुत्ते उन सभी को अपना सारा सच बता देते हैं। ये सब सुनकर चुड़ैल के माँ बाबा और भूतिया कुत्ते के माँ बाप उन दोनों के माता पिता उन दोनों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, जिसके बाद हाथ जोड़कर विनती करते हुए चुड़ैल बोलती है, हम लोगों की शादी करवा दीजिए, यदि हम लोग एक हो गए तो हम लोग इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, हम लोग तुम्हारी शादी जरूर करवाएंगे और तुम इस श्राप से जरूर मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर भूतिया कुत्ते और चुड़ैल के माता पिता दोनों ही एक दूसरे की शादी आपस में करवा देते हैं। और जैसे ही वह भूतिया कुत्ता और चुड़ैल के साथ फेरे पूरे होते हैं, वैसे ही दोनों फिर से एक इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिसके बाद वह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्रेग्नेंट औरत का भूतिया बच्चा। आज अमावस की काली रात है, जाओ और जाकर कुंवारी लड़कियों को लेकर आओ, ताकि शैतान को उसकी बलि चढ़ाकर हम इस पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके। जो हुकुम मेरे आका। खूंखार गुफा के अंदर चारों तरफ कंकालों की खोपड़ी, हड्डियां और बोटियां बिखरी पड़ी थी और बरगद का एक पेड़ जिस पर अनेकों लड़कियों की लाशें टंगी हुई थी। तांत्रिक का हुक्म मानकर चुड़ैल गांव का रुख करती है और कहती है, गांव वालों, आ रही हूं मैं तुम्हारी मौत बनकर। चुड़ैल की हड़कंप से आसमान का नीला रंग खूनी लाल हो जाता है और रात में आसमान में शोर मचा रहे परिंदे जमीन पर गिरकर मरने लगते हैं। और चुड़ैल के गांव में कदम रखते ही खूंटे से बंधे सभी जानवर जोर जोर से पागुर करते हुए गुहार लगाने लगते हैं कि चुड़ैल कहती है, अरे ये बेजुबान जानवर कितना शोर मचा रहे हैं, इन्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या। चुड़ैल सभी की खिड़कियों से अंदर झांकने लगती है और जैसे ही गौरी रश्मि बाहर आती हैं, चुड़ैल कहती है, क्या बात है, शिकार खुद चलकर सामने से मेरे पास आ रहा है। अच्छा है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हवाइयां गुल हो जाती हैं और दोनों डरकर कहती हैं, अरे गौरी, ये तो चुड़ैल है, अब क्या करें। भाग रश्मि भाग, वरना ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। जैसे ही वो भागने के लिए फूर्ती करती हैं, तभी चुड़ैल उन्हें आगे से घेर कर कहती है, मुझसे बचकर भागना नामुमकिन है। चुड़ैल उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें तांत्रिक के आगे फेंक कर कहती है, ये रहा आपका शिकार। शाबाश मेरी भूतनी। ये कैसी शैतानी जगह है, कहाँ है हम आखिर। ये हम जैसे बुरी शक्तियों की दुनिया है, जिसे भूत लोग कहते हैं। हाँ। तांत्रिक उन दोनों की गर्दन काट कर काली विद्या मंत्र उच्चारण करके बलि यज्ञ करते हुए कहता है, अलकाहिम मलखाहिम चंडिका मुंडिका भूत प्रेत आवाहन गुरूप स्वाहा। शैतानी हवन कुंड से एक काला साया निकलकर तांत्रिक के अंदर घुस जाता है और तांत्रिक लड़कियों का खून चूस कर खून से लथपथ खोपड़ी शैतान के देवता को चढ़ाते हुए कहता है, शैतान का साम्राज्य अमर रहे। हे काली दुनिया के देवता, मुझे इतनी शक्ति दे, मैं संसार को अपनी मुट्ठी में कर सकूं। लो मेरी गुलाम भूतनी, शैतान के चढ़ावे के इस प्रसाद को खाकर अपनी भूख मिटा लो, अभी तुम्हें मेरे लिए और मेहनत करनी है। भूखी चुड़ैल उन सारी खोपड़ियों को खा जाती है और लगातार उस तांत्रिक के लिए गांव से लड़कियों का शिकार किया करती। देखते ही देखते एक बार फिर से काली अमावस की रात आती है और तांत्रिक कहता है, मुझे अजर अमर होने के लिए अंतिम दो और कौमारे लड़कियों की बलि देनी होगी, जाओ मेरी गुलाम भूतनी मेरे लिए शिकार लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। उस रात आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। तेज आंधी तूफान के साथ चुड़ैल जैसे ही गांव की धरती पर कदम रखती है, धरती भूकंप की तरह थरथराने लगती है कि कमला कहती है, अरे ओह करमजली, कहां मर रही है, देख बाहर तूफान उठा है। क्या हुआ दादी माँ? जब देखो आप हमारी माँ को बुरा भला कहती रहती है। लड़कियों की आवाज चुड़ैल के तेज कानों में पड़ने के साथ चुड़ैल कहती है, लगता है अब भी इस गांव में कुंवारी कन्याएं हैं। चुड़ैल उनके घर में घुस आती है और कहती है, तो मेरे कानों ने सही सुना था, तुम कुंवारी लड़कियां मेरी चील वाली नजरों से बचती आ रही थी। खैर कोई बात नहीं, आज तुम दोनों का राम नाम सत्या। बचाओ माँ, माँ। माँ, घर में चुड़ैल घुस आई है, जल्दी आओ।
आवाज सुनकर उनकी माँ जेविका दौड़कर असोरे में आकर कहती है, ए भगवान, ये तो चुड़ैल, इसका मतलब कि यही गांव की लड़कियों की लुटेरा है। लाख चाहने पर भी चुड़ैल के कदम उनको मारने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते और वो भावुक होकर कहती है, ये मेरे दिल में कैसी बेचैनी लग रही है, मैं इन्हें मारने आई हूँ फिर भी मेरे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं। इस चुड़ैल का चेहरा तो मेरी बेटी की सूरत से झांक रहा है, कहीं ये भूतनी सालों पहले खोई मेरी बच्ची तो नहीं। जीविका जैसे ही चुड़ैल के हाथों पर देखती है उसे गहरा तिल नजर आता है जो उसके और उसके दोनों बेटियों के हाथों पर भी जन्म से बना होता है। तभी राकेश आकर कहता है, ये नहीं हो सकता। राकेश, मैं जान चुकी हूँ कि ये सालों पहले खोई मेरी ही बच्ची है, इससे पहले कि अपनी बहन के खून की प्यासी बन जाए, कहो। बताता हूँ। जीविका और राकेश की शादी को 10 साल बीत चुके थे। दुर्भाग्यवश उसकी 3 बेटियां थीं और ये जीविका का 4था गर्भ था, जिसे देख उसकी सास कहती है, ये करमजली कलमुही हमारे किस काम की, जो इस घर को चलने वाला एक वंश नहीं दे सकती। माँ जी, बेटा और बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है। ये अपशगुनी हर साल हमारे घर पर बेटियों का बोझ बढ़ाई जा रही है, अगर 4थी बार भी बेटी हुई तो गांव समाज में हमारे नाम की थू थू हो जाएगी, पहले ही हमारी रत्ती भर की इज्जत नहीं है। दोनों माँ बेटे कमरे में बैठकर कहते हैं, बेटा इस कुलक्षणी के बस की नहीं, हाँ हमारे घर को बेटा देना, इसे पहले की 4थी बेटी पैदा करे हम इसका 4थाई कर देते हैं। आधी रात जब जीविका रसोई घर में सो रही होती है तो दोनों माँ बेटे उसके चारों ओर केरोसिन डालकर कहते हैं, अब जैसे ही आग की लपटे किचन में फैलेंगी तभी इसका राम नाम स्वाहा। दोनों गर्भवती जीविका से पीछा छुड़ाने के लिए रसोई घर में आग लगाकर भाग निकलते हैं, पर खुशकिस्मती से जीविका बच निकलती है और वो कहते हैं, हर बार किस्मत बलवान नहीं होती, इसे मैं रास्ते से हटा कर रहूंगा। चिंता मत कर मेरे लाल, आज मैं सीढ़ियों पर तेल डालकर इसे और इसके दोनों बच्चों का काम तमाम कर दूंगी। क्रूर कमलाल तड़के सुबह उठकर पूरी सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है, पर गलती से वो खुद ही उस पर गिर पड़ती है और कहती है, हाय रे मेरी कमर, अरे ओ डायन जल्दी आ। माँ जी, आप गिरी कैसे और ये सीढ़ियों पर तेल कैसे गिरा है? ये पक्का तेरी करामात है, तूने मुझसे किसी बात का बदला लेने के लिए जाल बिछाया था। कुछ समय बाद गांव में एक तपस्वी तांत्रिक आता है जो अपनी अंतर साधना से सब कुछ देख सकता था। आडंबर में फंसकर राकेश तांत्रिक के पास आकर कहता है, तांत्रिक बाबा, अपनी अंतरात्मा से देखकर बताइए मेरी बीवी के गर्भ में इस बार लड़की है या लड़का। बच्चा, इस बार भी तेरी बीवी एक बच्ची को जन्म देगी और वो एक भूतिया बच्ची होगी। जब उसका जन्म हो तो उसे मुझे सौंप देना, वरना वो भूतिया बच्ची तेरा घर खा जाएगी। फिर जिस पल राकेश की 4थी बेटी जन्म लेती है वो बिना किसी को बताए उसको तांत्रिक के हवाले कराता है। इस मूर्ख मानव को नहीं पता कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला था ताकि मैं अपना काम साध सकूं। ये ताबीज बांधते ही ये बच्ची इंसान के अंश से दावंश यानी कि भूतिया बच्ची में बदल जाएगी और मैं इसे कठपुतली बनाकर रखूंगा। मतलब आपने और माँ जी ने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी, सालों में अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी। माँ, मुझसे दूर रहो, मैं एक भूतिया बच्ची हूँ। तो सिर्फ मेरी बच्ची है और मैं कुछ नहीं जानती, ये तावीज कैसा है? माँ, इस तावीज को बचपन से ही उस तांत्रिक ने मेरे हाथों में बांध रखा है, वो इसे कभी भी मुझसे दूर नहीं होने देता। इसे इसी वक्त जलाना होगा। जीविका जैसे ही उस शैतानी ताबीज को जलाती है चुड़ैल बनी उसकी बच्ची के अंदर से अनेकों काले साए का झुंड निकलकर फूट पड़ता है और दूसरी तरफ वो तांत्रिक और उसका शैतानी साम्राज्य जलकर राख हो जाता है और वो साधारण बच्ची में बदल जाती है और जीविका को सालों के लंबे इंतजार के बाद उसकी खोई बेटी मिल जाती है। बेस्ट फ्रेंड की रूह। नूर और सैम कॉलेज कैंटीन में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अक्की लोगों को मार रहा था और उन्हें खा रहा था। अक्की का भयानक रूप देखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। वहीं सैम और नूर को अजीब सी आवाज आती है। दोनों उसी आवाज की तरफ चले जाते हैं। ये आतंक मचाता देख सैम बचाने के लिए एक डंडा उठाता है और जैसे ही वो डंडा उसे मारने वाला था तभी वो उसकी तरफ देख कर रुक जाता है। नहीं, 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 मैं इसे नहीं मार सकता। सैम और अक्की बाइक पर हवा में हाथ फैला कर आते हैं। अक्की यार, और तेज बाइक चलाना, बहुत मजा आ रहा है।
ये ठंडी हवाएं मुंह पर बहुत अच्छी लग रही है यार। ठंडी ठंडी हवा खाकर क्या करेगा, तुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाता हूँ मैं। हैं सच्ची? ये दोस्ती हम ही तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। गाना गाते हुए दोनों आइसक्रीम पार्लर पर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ आइसक्रीम खाकर मस्ती करते हुए कभी नाक पर तो कभी चेहरे पर आइसक्रीम लगा देते हैं। तभी वहां अचानक से नूर आकर दोनों के गालों पर आइसक्रीम लगा देती है। तीनों मिलकर हंसने लगते हैं। अच्छा हुआ मैं लेट नहीं हुई, वरना तुम दोनों तो आइसक्रीम खाकर यहाँ से चले ही जाते। यार पता है हम दोनों ने तुझे कितना मिस किया, और जल्दी आती। खैर अब तो आ गई ना, तो और मजे करेंगे। हाँ हाँ चलो बोटिंग करने चलते हैं। ये बोलते ही दोनों बोटिंग की साइड पहुंच जाते हैं और तीनों एक ही बोट में बैठकर नाव चला रहे होते हैं। तभी अचानक से अक्की नदी में गिर जाता है और हड़बड़ाकर सैम कहता है, नूर अरे नूर नूर अक्की को बचा यार, उसे तैरना नहीं आता। बचाओ मुझे तैरना नहीं आता नूर, सैम बचाओ। पर सैम वो मुझे तैरना नहीं आता, तू बचाना उसे। अरे यार तू ये वो क्यों कर रही है, मुझे तैरना नहीं आता, तूने स्विमिंग क्लास भी सीखी है, जाकर बचा हमारे दोस्त को वरना कहीं। नूर हड़बड़ाहट में पानी में कूद जाती है, जहां वो पानी में फड़फड़ाते हुए अक्की को पकड़कर कहती है, अक्की मैं आ गई हूँ, तुझे अब कुछ नहीं होगा। तभी सैम और अक्की जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, यार अक्की क्या मस्त एक्टिंग करी है तूने, क्या पोपट बनाया हमने नूर का। हाँ बिल्कुल जक्कास एक्टिंग की ना नूर, कैसा लगा तुझे? तुम दोनों ने नाटक किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कितना डर गई थी, और तुम यहाँ दांत फाड़े जा रही हो, जाओ मैं तुम दोनों से बात नहीं करती। ये बोलते ही वो गुस्से से लाल हो जाती है और उस नदी से बाहर आ जाती है। वहीं दोनों भी उसे मनाते मनाते उसके पीछे चलते हैं। मुंह फुलाकर नूर एक पार्क में चली जाती है, जहां दोनों आकर कहते हैं, अरे यार सॉरी प्लीज माफ कर दे, हम दोनों मजाक कर रहे थे। हाँ यार प्लीज माफ कर दे, हम बस छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। तुम दोनों मेरा दिमाग मत खाओ, अगर सच में कुछ हो जाता आपकी तुझे तो, ऊपर से मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे नहीं करनी तुम दोनों से बात। अरे यार बस चेक कर रहे थे कि तू हमसे कितना प्यार करती है, हमारी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। अक्की के लिए तो पानी में कूद गई ना, आज हमें पता चल गया कि तू हमसे कितना प्यार करती है। दोनों प्यार से फूल देकर उससे माफी मांगते हैं, जिसके बाद नूर मान जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, अक्की पार्किंग के वक्त गलती से कॉलेज के किसी दूसरे लड़के की बाइक में टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अक्की पर हाथ उठाता है। हीरो की तरह एंट्री लेकर सैम उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सोचना भी मत मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की, समझा? तो इसे मारने की तो दूर छो भी नहीं सकता, तेरी क्या औकात है हाँ, तू मेरे दोस्त को ऐसे मारने की सोचेगा। ये बोलते ही सैम उसके मुंह पर दो चार मुक्के मार देता है और वहां से अपने दोस्त को ले आता है, जहां नूर अपने हाथ से अक्की को पानी पिलाती है। तभी सैम फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है, जहां उसने हाथ में डंडा लिए अक्की पर हाथ उठाया था। सैम अक्की को नहीं मारता, लेकिन अक्की सैम पर हाथ उठा देता है। अक्की की हरकतों को देखकर सैम और नूर को शक होता है और वो उसे उसके माता पिता के पास ले जाते हैं, जहां वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। मार डालूंगा सबको, मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर अक्की अपने माता पिता का गला पकड़ लेता है। तभी सैम और नूर उसके माता पिता को बचाते हैं। अक्की के अंदर का जानवर पूरे घर को सिर पर उठा लेता है और तोड़ फोड़ करने लगता है, फिर एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी सैम कहता है, नूर अंकल आंटी जी मुझे लगता है इस पर कोई भूत या चुड़ैल का साया है जो इससे ये सब करवा रहा है, हमें इसी वक्त इसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाना होगा, मैं जानता हूँ वो हमारी जरूर मदद करेंगे। ठीक है बेटा तुम इसे ले जाओ और मेरे बच्चे का ख्याल रखना, प्लीज उसे सही सलामत मेरे पास ले आना। आप चिंता मत कीजिए अंकल, हम इसे सही सलामत लाएंगे। ये बोलते ही दोनों अक्की को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। वहीं तांत्रिक उसके सिर पर हाथ रखकर उस बुरी आत्मा के बारे में जान लेता है और एकदम से आंखें खोलकर कहता है, अरे बाप रे ये तो अनर्थ हो गया, तो मैं देरी हो गई इसे लाने में, अब पता नहीं क्या होगा। बाबा आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, साफ साफ बताइए। मेरा तात्पर्य ये है कि तुम्हारे दोस्त के शरीर पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है, जो उसकी रोह को अपनी दुनिया में ले जा चुका है।
अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें दूसरी दुनिया में जाकर इसकी रूह को इस दुनिया में लाना होगा। पापा मैं सब करने को तैयार हूँ, बस आप बताओ क्या करना होगा मुझे, मैं सब करूँगा। तुम अकेले नहीं सैम, अकीम मेरा भी दोस्त है और मैं भी उसे बचाने के लिए तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया जाऊंगी। नहीं नूर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। नूर कहने पर भी सैम की बात नहीं मानती। वहीं तांत्रिक एक शीशे के सामने तंत्र मंत्र से पूजा करके उस पर गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद भूतों की दुनिया में जाने का रास्ता खुल जाता है। दोनों उस दुनिया में जा रहे थे कि बेटा ये लो त्रिशूल, तुम अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए उस चुड़ैल का अंत करके अपने दोस्त को इस दुनिया में वापस लाना, विजयी भाव। तांत्रिक से त्रिशूल लेकर दोनों दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत अंधेरा और जमीन पर पानी ही पानी बिखरा था। दोनों से आवाज लगाकर ढूंढते हैं। अकी, अकी, कहां है तू? अकी, देख तेरे बेस्ट फ्रेंड तुझे बचाने आए हैं। अकी! दोनों उसे लगातार आगे ढूंढते चले जाते हैं। अक्की जख्मी हालत में, उसका शरीर पानी में पड़ा हुआ था। दोनों उसकी तरफ जैसे ही जाते हैं, पीछे से चुड़ैल दोनों के सिर पर बहुत जोर से मारती है। तभी दोनों कहते हैं, आ, मेरा सर। आ, 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 कौन है? मेरी दुनिया में बिना इजाजत आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। तो तू है जिसने मेरे दोस्त पर कब्जा किया है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जैसे ही सैम उस त्रिशूल से चुड़ैल पर वार करता है, चुड़ैल अपनी शक्ति से उस त्रिशूल को गिरा देती है। वो अपनी शक्तियों से उन पर हमला कर देती है। दोनों कभी झुककर बचते हैं तो कभी कहीं छिप जाते हैं। तभी अक्की की रूह उन्हें आवाज लगाती है। सैम, सैम, नूर, मुझे बचा लो, इसने मुझे बहुत टाइम से यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे हाथों को कैसे जंजीर से जकड़ा हुआ है, मैंने खाना भी नहीं खाया यार। हम आ गए अक्की, तू परेशान मत हो। अच्छा तो यहाँ छुपी हुई थी तू, अब तो तू भी मरेगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसे मारकर अधमरा कर देती है। तभी वो सैम को भी मारती है। फिर सैम कैसे भी करके उस त्रिशूल को उठाता है और तेजी से चुड़ैल की नाभि पर मारते हुए कहता है, हर हर महादेव की जय। क्या हो रहा है? मार डाला मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को, वापस आऊंगी। मेरा शरीर जल रहा है। सैम के त्रिशूल से वार करते ही चुड़ैल जलकर मर जाती है और वो अपने दोनों दोस्तों को किसी तरह उठाकर उसी शीशे से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। प्रेग्नेंट चुड़ैल का विशाल मैंगो। मुकेश को गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलकर गुनगुनाते हुए टहलने लगता है। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पर काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए हम दीवाने हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। अरे ये सोने का सिक्का जमीन पर कैसे पड़ा है? जल्दी से उठा लेता हूँ, कोई देख नहीं रहा। अपने चारों ओर देखकर उस सोने के सिक्के को वो उठा लेता है और जैसे ही उसे वो उठाता है, उसे एक और सोने का सिक्का दिखता है। जितना वो आगे बढ़ता है, उसे उतने सोने के सिक्के मिलते हैं। उनका पीछा करते हुए वो एक बहुत विशाल आम के पास पहुंच जाता है, जिसके दरवाजा को देखकर वो कहता है, अरे ये इतना बड़ा विशाल आम यहाँ कहाँ से आया? जरा देखूं तो सही, कहीं ये सोने के सिक्के इसके अंदर ही तो नहीं है। इतना बोलते ही वो उस विशाल आम के अंदर चला जाता है और अंदर देखता है कि वो एक अंधेरी गुफा जैसी है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर बहुत मारती है और कहती है, क्या तुम मेरे जाल में फंसे गए? पता था मुझे तू एक नंबर का लालची इंसान, इस सोने की मोहरों के पीछे जरूर आएगा। यही तो मैं चाहती थी कि तू इस विशाल आम के अंदर आए और अब मैं तुझे कैद करके रखूंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस ऐसे ही सोने के सिक्कों के पीछे आ गया था। क्या हुआ चुड़ैल को देखकर डर लग गया क्या? लेकिन अफसोस, अब तो तू यहाँ से जिंदा बचकर बाहर जा ही नहीं सकता। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। आपको जो चाहिए वो ले लो, मुझे बख्श दो। हाँ हाँ,
मुझे जो चाहिए मैं वही तो ले रही हूँ, तुझे मार कर। चुड़ैल ऐसा बोलकर मुकेश को बेरहमी से मार डालती है। अगले दिन वो इंसानी भेष में लोगों को आम बेचने जाती है और कहती है, आम ले लो, आम ताजा ताजा मीठे मीठे आम ले लो, रस से भरे आम ले लो, आम खाकर गर्मी के मौसम का लुत्फ उठाओ। अरे ये आम कैसे दिए हैं, बड़े ताजे लग रहे हैं, जरा 1 किलो करना। जी ये लीजिए, ले जाओ ले जाओ, घर जाकर बड़े मजे से आम खाओ और उसके बाद मेरी कैद में आ जाओ। इस तरह चुड़ैल एक एक करके ठेले के सारे आम बेच देती है। जो भी लोग आम को खाते हैं वो चुड़ैल के वश में आ जाते हैं और रात के समय एक एक करके उस विशाल आम की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां चुड़ैल उन सबको जंजीरों में बांध कर कैद कर लेती है और कहती है, आखिर तुम सब आ ही गए, तुम सबका ही इंतजार कर रही थी, अब सोच रही हूँ कैसे तुम सबकी जान लूं, इसी जंजीर में जकड़ कर मार डालूं या कुछ दिनों तक भूख से तड़पा कर मार डालूं या फिर तुम सबका चाकू से मर्डर कर दूं। बोलो, बोलते क्यों नहीं, उम्फ कैसे बोलोगे, मेरे वश में जाओ। ये बोलते ही चुड़ैल एक चाकू को पत्थर पर रगड़कर धार तेज कर रही होती है और कहती है, तुम सबको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं मार ही देती हूँ, वैसे भी मेरे साथ कौन सा तुम सबने प्यार से बर्ताव किया था, तरसाया था ना खाने के लिए। चुड़ैल ये कहते ही उन 6-7 लोगों को चाकू से बेरहमी के साथ मार डालती है और कहती है, इन लोगों को आम खिलाकर इस विशाल आम के अंदर मार तो दिया है पर अभी वो सुकून नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, ऐसा कुछ तो छोड़ रहा है जो अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाई। हाँ वो नरेन ठाकुर अभी भी जिंदा बचा हुआ है, जब तक उसे बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार नहीं दूंगी मुझे और मेरे बच्चों को चैन नहीं आएगा। ये बोलकर वो नरेंद्र ठाकुर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां वो उसके बंगले में पहुंच जाती है और देखती है कि वो ठाट से बैठकर आम ही खा रहा था। नरेंद्र ठाकुर, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बहुत आम खा लिया तूने, अब जरा मैं भी तुझे आम खिला देती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे तूने मुझे दिए थे। चुड़ैल अपने जादू से उसके आमों को जहरीला आम बना देती है, जिसे खाने के बाद उसके गले में दर्द होने लगता है। वो पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन चुड़ैल उसके पानी के गिलास को गिरा देती है और कहती है, पानी पीना है तुझे, दर्द हो रहा है गले में, क्या हुआ, मुझे ऐसे घोर क्यों रहा है, पहचाना नहीं, मैं जमुना जिसे तूने जहरीले आम खिलाए, मुझे और मेरे बच्चों को मार डाला, मुझे मारता तो ठीक था लेकिन तूने मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी कर दी, इस चीज के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी नरेन ठाकुर, आज तेरी मौत आई है, मौत। जमुना जमुना पानी दो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पानी पीना है, अब मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करूं, कभी नहीं, आम खा रहा था ना, ये ले खा ठोस अच्छे से। ये बोलते ही चुड़ैल उसे आम की जहरीली फांक जबरदस्ती से खिलाकर मार देती है। तभी उसकी पत्नी गौरी आकर कहती है, हे भगवान, चुड़ैल कहीं की पापिन, तुमने मेरे पति को मारकर अच्छा नहीं किया, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इन्हें इस तरह मार डाला। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अभी तांत्रिक बाबू को बुलाकर तेरा क्रिया कर्म करवाती हूँ। बड़ा तरस आ रहा है तुझे अपने पति पर, लेकिन एक बार इसके काले कारनामे तो जान ले, फिर बुला लियो 100 तांत्रिकों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब, क्या किया है मेरे पति ने, बोलो क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। बहुत गलत किया है, सुनना चाहती हो तो सुनो, सावन का मौसम था, मैंने अपने पति के लिए सावन का व्रत भी रखा था, उस वक्त मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी,
ऐसे ही एक शाम को मुझे बाजार में चाट पापड़ी खिलाने लाए थे। वो खाने के बाद मुझे प्यास लगी। रोड पार करके मेरे पति पानी लेने गए थे कि इतने में एक ट्रक वाला उन्हें टक्कर मार कर चला जाता है। उसी वक्त मेरे पति मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। किसी तरह एक महीना मैंने अपने जेवर बेच कर खर्चा चलाया, लेकिन वो भी खत्म हो गए थे। अब क्या करूं? मुझे अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा, उसकी जिम्मेदारी अच्छे से उठानी होगी। मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए काम करूंगी। जमुना घर घर जाकर दो महीने तक खूब काम करती है, लेकिन सातवें महीने में उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। अब वो थक कर काम छोड़ देती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे लोगों से मांग मांग कर खाना पड़ता था, लेकिन अब लोग उसे पागल बोलकर खाना नहीं देते थे, पत्थर से मारने लग गए थे। अपनी भूख मिटाने के लिए जमुना रोज रोज नरेंद्र ठाकुर के आम के बागान से आम चुरा कर खाने लगी। यह देखकर नरेंद्र एक दिन उसके आम में जहर मिला देता है, जिसे खाने के बाद वो तड़प कर मर जाती है। ये देखकर वो कहता है, बड़ा आई थी मेरे बगीचे के आम चुरा कर खाने वाली, मार डाला ना मैंने इसे अब। नरेंद्र ठाकुर, तूने अपने आम की वजह से मेरे छोटे से बच्चे को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने सारे आम में से अगर मैं अपने बच्चे के लिए दो आम खा लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। ये बोलकर चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन शक्ति कमजोर होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। उस दिन के बाद ये मुझे आज मिला और मैंने इसे भी मार डाला। मुझे धिक्कार है अपने पति पर कि उन्होंने एक गर्भवती औरत के साथ ये किया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब जाकर मुझे सुकून मिला, मेरे बच्चे का बदला ले लिया मैंने, इसीलिए अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल और उसके बच्चे को मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वो विशाल मैंगो भी गायब हो जाता है।